My mom says I am growing, but I can never feel. But when the wind is blowing, I'll dance like Phil. Hello, my munchkins. I'm Monica Mehta. Welcome in your favorite informatic program, Dips Broadcasting Channel. My dear children, you are watching your favorite channel, Dips Broadcasting with Monica Mehta. आपको पता है जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं हम उतने ही रिलक्टेंट उतने ही केयरलेस उतने ही एंग्जाइटीफुल होते जा रहे हैं, है ना। हमारे में इतनी ज्यादा एंग्जाइटी आ गई है कि हमें लगता है कि बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है। रोड्स पे हम रेस लगाते हैं, छोटी गाड़ी वाला कहता है मैं आगे निकल जाऊं, बड़ी गाड़ी वाला कहता नहीं मुझे आगे निकलना है। आपको पता है पूरी दुनिया में 40% एक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्रेक्स हैं उसके फेल्योर की वजह से। सिर्फ ब्राजील ऐसी कंट्री है जहां पर रोड एक्सीडेंट या ब्रेक फेल्योर के एक्सीडेंट 3-4% होते हैं जस्ट। उन्होंने क्या रास्ता अपनाया मैं आपको बताती हूँ। मेन हाईवेज के साथ साथ उन्होंने छोटे छोटे रोड्स बनाई हैं जिसमें सैंड भरी हुई है। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गए हैं तो मैं मेन हाईवे से हटकर उस रेत वाली रोड पे आ जाऊंगी जो कि मेन हाईवे के बिल्कुल पैरेलल है, और वो रेत की वजह से मेरी गाड़ी रुक जाएगी। इंस्टेड ऑफ कि मैं मेन हाईवे पे एक्सीडेंट कर दूं, मैं वो जो सब्स्टिट्यूट रोड है उस पर आकर रेत से मेरी गाड़ी को ब्रेक लग जाएगी और मेरी गाड़ी रुक जाएगी और एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। ट्रिमेंडस ब्राजील, वेल डन। हम सबको भी ब्राजील से ये चीज सीखनी चाहिए और जो बेशकीमती जाने हैं उनको बचाना चाहिए, है ना। कई बार कोई चीजें जब हम देखते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक छोटा सा सीड होता है, जब उसकी जर्मिनेशन होती है, जब वो निकलता है, जब वो बड़ा होता है, कोई आवाज होती है जब कोई पेड़ गिरता है तो कितनी ठा शा की आवाज आती है ना। इट शोज कि जो ग्रो है, जो ग्रोथ है, जो ग्रोइंग है, उसकी कोई साउंड नहीं होती, वो क्वाइट होती है। मगर जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत शोर करती है। इसलिए क्वाइटली अपनी मेहनत करते जाइए और लोगों को पता लगने दीजिए कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। मगर जब आप कुछ बुरा करेंगे तो वो दुनिया को पता लगेगा। इसलिए हमेशा अच्छा काम कीजिए, गुड रहिए। अब आप धीरे धीरे बात करते हो किसी को पता नहीं चलता, मगर जब आप चिल्ला के बात करते हो तो पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि ये बच्चा इल मैनर्ड है, ये अच्छी तरह से बात नहीं करता। सो बी क्वाइट एंड गेन मोर। हाय चिल्ड्रन, यू आर वॉचिंग दिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल विद योर फ्रेंड मोनिका मेहता। बच्चों, एवरी डे यू शुड थैंक गॉड फॉर अ लवली लाइफ। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जिनके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास है। हम चल सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ ही उनका कोई ना कोई जो बॉडी पार्ट है वो काम नहीं करता। ऐसे लोग होते हैं जिनकी लेग्स पोलियो हो जाता है या कोई और बर्थ की टाइम बीमारी होती है, वो सारी उम्र चल नहीं पाते। कुछ लोग जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिनके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मन का हिल जाता है तो वो चल नहीं पाते हैं। तो अब साइंटिस्ट ने एक नया ऐसा सिस्टम, डिवाइस ऐसा इजाद किया है, दैट इज TDS, टंग ड्राइव सिस्टम। आपके ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना, टंग के ऊपर वाला तालू, वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दिया जाता है। अब वो हाथ से तो नहीं ऑपरेट होता, वो टंग से ऑपरेट होता है, ऐसे ऐसे। उसके ऊपर छोटा सा कर्सर होता है, वो आप टंग से, टंग को इधर करोगे तो आपकी जो व्हील चेयर है वो राइट चल पड़ेगी, अगर उसको राइट टंग से करोगे तो वो लेफ्ट चल पड़ेगी। वो लोग जो पांव से और हाथों से लाचार हैं, नहीं चला सकते, उनके लिए TDS सिस्टम, टंग ड्राइव सिस्टम, इज मैजिकल। एंड थैंक्स टू ऑल द साइंटिस्ट जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट किया जाए ताकि उसको उनको चलने के लिए, दुनिया देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत ना हो। सो थैंक यू साइंस एंड थैंक यू साइंटिस्ट। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैम जब आप लिंक रिकॉर्ड करते हो
आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे याद रखते हो? आपको पता है, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले मैं सारे लिंक जॉट डाउन करती हूँ अपनी डायरी में, और उसके बाद एक दिन पहले मैं मिरर में आगे खड़े होकर ये सारे पॉइंट्स बोलती हूँ। और ये बचपन से मेरी प्रैक्टिस है। मैं चाहे ऑल इंडिया रेडियो में जब प्रोग्राम्स करती थी तब भी, मैंने कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी होती है तब भी, मैंने कोई चैट शो करना होता है तब भी, मैंने अपनी टीचर्स की वर्कशॉप लेनी होती है तब भी, मैंने इंटरव्यू पैनल में बैठना होता है तब भी। सो दिस इज द मास्टर स्ट्रोक विच आई एम यूजिंग, दैट आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो भी मुझे बात करनी होती है मैं मिरर से करती हूँ। आपको पता है, आप किसी के सामने बात करोगे आपके मन में फियर रहता है कि मैं गलत बोलूंगी या बोलूंगा तो कोई सामने वाला हंसेगा, मगर मिरर के आगे आप खुद से बात करते हो, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप आई कॉन्टेक्ट करते हो, आप अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और बॉडी जेस्चर्स हैं उनको देखते हो, अगर कोई चीज बुरी लग रही है उसको इम्प्रोवाइज करते हो। सो दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आप भी कोई छोटी सी स्पीच, कोई छोटा सा कोई कोट आप लर्न करो बाय हार्ट और उसको मिरर के आगे खड़े होकर बोलो। दिस वे यू विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेमेंडसली। इंटरनेट का युग है, हर बंदा इंटरनेट पे ओवर डिपेंडेंट है। अब हमारी बात ले लीजिए, चाहे वो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, वी आर यूजिंग नेट। और जो लोग बहुत ज्यादा नेट यूज करते हैं, रिसेंटली ये रिसर्च हुई है, उनको एक डिसऑर्डर होता है, दैट इज टैट, TAT, दैट इज टायर्ड ऑल द टाइम, हमेशा वो थके रहते हैं। आप किसी से भी बात कर लो, वो हमेशा बात करेंगे यस यस यस। व्हाई? बिकॉज दे आर टायर्ड। टायर्ड क्यों है? क्योंकि जब आप बिल्कुल अपनी आई सेट लगाकर, निगाह लगाकर इतनी देर तक वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो निकलती हैं उनको देखते हो, बार बार स्क्रीन देखते हो, बार बार मोबाइल चेक करते हो, तो उससे जो आपका रेटिना है, जो आई का पूरा सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, आप थक जाते हो, यू आर टायर्ड ऑल द टाइम। तो इस सिंड्रम को छोड़ने के लिए, इससे बचने के लिए, टू गेट रिड फ्रॉम दिस सिंड्रम, आप क्या कर सकते हो? बार बार अपनी आंखों को जाकर धो, और कोई बुक अपनी टेबल पे रखो कि जब आप कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर रहे हो या आपका काम फिनिश हो गया है, आप वो बुक पढ़ सकते हो, या ऐसा कोई प्यारा सा गार्डन है आपके ऑफिस में, आप वहां आ सकते हो, आप अपनी जो उंगलियां हैं या पाम्स हैं उनको रब करके आंखों पे लगा सकते हो, यू विल फील बेटर। और प्लीज अपने खाने के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, ईट हेल्दी एंड फील हेल्दी। All that glitters is not gold. जैसा दिखता है कई बार वैसा नहीं होता। देखिए, इस लिंक से पहले मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है, वो एक बर्ड की है, बट दैट इज नॉट अ बर्ड, दैट इज मैग्नोलिया ब्लॉसम फ्लावर। मैग्नोलिया ब्लॉसम फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जो है तो फ्लावर मगर देखने में बिल्कुल एक टाइनी सा स्मॉल सा बर्ड लगता है। जब आप इसके पास जाते हो, देन यू रियलाइज कि दिस इज नॉट अ बर्ड, इट्स अ फ्लावर। तो देखा कितनी खूबसूरत है दुनिया और कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। तो आप भी नेट पे सर्च कीजिएगा मैग्नोलिया ब्लॉसम फ्लावर। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला।
शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं, अब के बिछड़े ना जाने फिर कब मिलें। खोल दो। लीजिए बात करते हैं हरमन कौर जस, सुख धालीवाल, मन कौर, मनदीप कौर, पंजाबी गेमर्स। पंजाबी गेमर्स आपके 184 सब्सक्राइबर्स हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये चैनल देख सकें। थैंक यू फॉर लाइकिंग द शोज। मुस्कान वर्मा, अंक अंक्षी गुप्ता,
तानिया, रिम्पी जौहर, हरमनजीत बाजवा एंड दीक्षा शर्मा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. एंड मुस्कान इज ऑल्सो देयर. थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग चैनल को. आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ये चैनल देखो नीचे कमेंट जरूर करो आपको क्या अच्छा लगता है चैनल में. एंड सेकेंड थिंग, मैं कैसे बात कर रही हूँ, यू शुड लर्न द वे ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ताकि जब आप बोलो सब आपकी तरफ देखकर बोले वाओ ये हमने सुना हुआ है, हमें ऐसे ही बोलना चाहिए. एंड आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी ये लिंक जरूर शेयर कीजिए. मैं एक बात बताना चाहूंगी, आई एम लिविंग इन अर्बन स्टेट. मैं अर्बन स्टेट से ऑफ करके घर जा रही थी तो रास्ते में एक शॉप आई, मैंने वहां से कुछ सामान लिया और मैंने ऐसे मास्क पहना हुआ था. मैंने बोला भैया कितना बिल हुआ, तो वहां पे एक मैम थे, वो कहते मोनिका मैम ब्रॉडकास्टिंग वाले. आई सेड यस मैम, आपने मुझे कैसे पहचाना. शी सेड मैंने आपकी आवाज से आपको पहचान लिया. ओ माय गॉड, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट, आई एम सो ब्लेस्ड. आप ऐसे ही प्यार देते जाइए और हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके पास लाते रहेंगे. नाउ टेक केयर, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय, लव यू ऑल. इट्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल.